Morning, dear children. Myself, Mansi Dumrani, teacher from LP Savannah Riverside School. As we had completed the explanation of chapter number 1, Early Human Beings, today we are going to do the exercise. Before starting the exercise, we are going to do the green boxes. First is, early human beings were called plank. Early human beings ko pehle kya kaha jata tha? To early human beings ko hominids bhi kaha jata tha. Early human beings were called hominids. Next, early human beings realized that fire gave out blank and kept out blank. Early human beings ko realize hua ki fire jo hoti thi wo unko heat deti thi. Heat yani ki garmi deti thi aur kept out wild animals. Aur wild animals ko unse dur rakhti thi. Garmi ki wajah se animals डरते थे फायर की वजह से एनिमल्स क्या होते थे डरते थे उनसे इसलिए वाइल्ड एनिमल्स नजदीक नहीं आते थे सो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स रियलाइज दैट फायर गेव आउट हीट एंड केप्ट आउट वाइल्ड एनिमल्स अर्ली ह्यूमन बीइंग्स टाइड लॉग्स टुगेदर टू मेक अ ब्लैंक दैट कुड फ्लोट ऑन वाटर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया लॉग्स यानी कि बहुत सारी लकड़ी एक साथ टाई करके उन्होंने क्या बनाया राफ्ट बनाया इसे कहते हैं राफ्ट जो वाटर पे फ्लोट हो सकता है सो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स टाइड लॉग्स टुगेदर टू मेक अ राफ्ट दैट कुड फ्लोट ऑन वाटर फ्लोट यानी कि तैरना क्ले पॉट्स वर मेड फ्रॉम द ब्लैंक क्ले पॉट्स थे मिट्टी के जो बर्तन थे वो किससे बनाए जाते थे तो पॉटर्स व्हील क्ले पॉट्स वर मेड फ्रॉम द पॉटर्स व्हील ये पॉटर का व्हील है और इससे क्ले पॉट्स बनाए जाते थे Early human beings were blank. Early human beings क्या थे Early human beings were hunter gatherers before they become farmer. Farmer बनने से पहले early human beings क्या थे Hunter gatherers. Early human beings were hunter gatherers before they become farmers. The period in which early human beings lived is called blank because they mostly used tools made of stone. जो पीरियड जिसमें अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे उसे क्या कहा जाता था उसे स्टोन एज कहा जाता था क्योंकि उसमें दे मोस्टली यूज टूल्स ऑफ मेड ऑफ स्टोन क्योंकि वो ज्यादातर टूल्स जो स्टोन के बनाए हुए होते थे वही यूज करते थे इसलिए वो पीरियड को क्या कहा जाता था स्टोन एज वो लोग जो टूल्स यूज करते थे वो पत्थर के बने हुए होते थे इसलिए उस टाइम को स्टोन एज कहा जाता था द पीरियड इन विच अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड जो पीरियड में अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे इज कॉल्ड स्टोन एज उसे कहा जाता था स्टोन एज बिकॉज दे मोस्टली यूज्ड टूल्स मेड ऑफ स्टोन दे डिस्कवर्ड ब्लैंक व्हाइल रबिंग टू स्टोन्स टू गेदर जब दो पत्थर को उन्होंने एक दूसरे से रब किया तब उन्होंने क्या डिस्कवर किया फायर जब दो पत्थर को एक दूसरे के एक सामने घिसते हैं तो उसमें से फायर होता है इसलिए जब उन्होंने ऐसे ही दो स्टोन्स को रब किया था तब उन्होंने क्या डिस्कवर किया था फायर हर्ड्समैन कैप्ट लार्ज हर्ड्स ऑफ ब्लैंक एनिमल्स हर्ड्समैन थे वो बहुत सारे हर्ड्स किस चीज के रखते थे डोमेस्टिक एनिमल्स की दे इन्वेंटेड द ब्लैंक आफ्टर सीइंग लॉग्स रोलिंग उन लोग ने व्हील को इन्वेंट किया जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे लॉग्स रोल हो रहे हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स सेटल डाउन इन फार्म्स नियर ब्लैंक अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो फार्म्स में सेटल हुए जो किसके नजदीक थे रिवर्स के अर्ली ह्यूमन बींग्स सेटल डाउन इन फार्म नियर रिवर्स नाउ चूज द करेक्ट आंसर फायर हेल्प टू स्केयर अवे ब्लैंक फायर किस चीज में हेल्प होती थी किसको डराने के लिए वाइल्ड एनिमल्स को स्केयर यानी कि डराना फायर हेल्प करता था किसको डराने में वाइल्ड एनिमल्स फायर हेल्प टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स गोट्स एंड शिप वर डोमेस्टिकेटेड फॉर ब्लैंक गोट और शिप को डोमेस्टिकेट क्यों करते थे उनकी मीट के लिए अर्ली ह्यूमन बींग्स मेड ब्लैंक पॉट्स यूजिंग द पॉटर्स व्हील पॉटर्स का व्हील की यूज करके अर्ली ह्यूमन बींग्स ने क्या बनाया क्ले पॉट्स मतलब की मिट्टी के बर्तन Early human beings made clay pots using the potter's wheel.
From being gatherers of food, early human beings became blank of food. Gatherers of food बनने के बाद early human beings क्या बन गए? Producers of food. पहले वो लोग एक जगह पे से दूसरी जगह पे मूव होते थे खाने के लिए, हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, इसलिए उन्हें गैदरर्स ऑफ फूड कहा जाता था. लेकिन फिर वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करने लगे, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड कहने लगे. सो फ्रॉम बीइंग गैदरर्स ऑफ फूड अर्ली ह्यूमन बीइंग्स बिकेम प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. हर्ड्समैन केप्ट हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स के हर्ड्स कौन रखता था? हर्ड्समैन. हर्ड्समैन केप्ट हर्ड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. इज मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए एंड कॉलम बी इज given. A is pulleys. Pulleys are used in wells. Potter's wheel. Potter's wheel are used for making pots. Fire. Fire is used for cooking. Donkey. Donkey is used to carry loads. Cave paintings. Cave paintings are done of hunting scenes. Now answer the following questions in one or two sentences. First is, why were early human beings referred to as hunter गैदरर्स? पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे उन्हें हंटर गैदरर्स क्यों कहा जाता था? अर्ली ह्यूमन बींग्स डिड नॉट लिव इन वन प्लेस. अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक जगह पे रहते नहीं थे, लेकिन दे मूव अराउंड एंड लिव्ड बाय हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग प्लांट्स. सो दे वर रेफर्ड एज हंटर गैदरर्स. लेकिन वो लोग क्या करते थे? वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा करते थे, इसलिए उसे क्या कहा जाता था? हंटर गैदरर्स. व्हाई वर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स रेफर्ड टू एज हंटर गैदरर्स? अर्ली ह्यूमन बीइंग्स डिड नॉट लिव इन वन प्लेस. वो लोग एक जगह पे नहीं रहते थे, बट मूव्ड अराउंड, लेकिन मूव होते थे एक जगह पे से दूसरी जगह पे, एंड लिव्ड बाय हंटिंग, और कैसे रहते थे? हंटिंग करने से, फिशिंग एंड गैदरिंग प्लांट्स. सो दे वर रेफर्ड टू एज हंटर गैदरर्स. व्हाट डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स वेयर? अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या पहनते थे? अर्ली ह्यूमन बींग्स वोर द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स. वो लोग क्या करते थे? स्किन और एनिमल्स की फर पहनते थे, एंड समटाइम्स इवन द बार्क ऑफ ट्रीज, और कभी कभी ट्रीज का बार्क भी. अर्ली ह्यूमन बींग्स वोर द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स एंड समटाइम्स इवन द बार्क ऑफ ट्रीज. वॉट डिड अर्ली ह्यूमन बींग्स वेयर? अर्ली ह्यूमन बींग्स वोर द स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स एंड समटाइम्स इवन द बार्क ऑफ ट्रीज. सो टूडे वी कम्प्लीट अवर सेशन हियर. विल कंटिन्यू द फर्दर चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.